बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आज फिर से हाज़िर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। और आज मैंने को नेचुरल से एक इनका जो न्यू रेंज इनकी आई है उसमें से एक सीरम ऑर्डर किया है, तो ये उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज साथ में। को नेचुरल ब्रांड की ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने इनके ऊपर सबसे पहली जो वीडियो है ना स्किन केयर की, वो की प्रोडक्ट्स पे बनाई थी। काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने इनसे काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं मंगवाया, तो काफ़ी टाइम के बाद जब इनकी ये न्यू रेंज आई ना तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, तो उससे मैंने फिर सोचा कि एक सीरम इनका ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मेरा सीरम ख़त्म भी हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो इनसे ये वाला सीरम ऑर्डर करती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये वाला एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूँगी कि इस बार मेरा इनके साथ ऑनलाइन का जो परचेज़ मैंने इनसे ये किया है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। शुरू शुरू में इनकी ऑनलाइन सर्विस काफ़ी अच्छी थी और मैं भी आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताती रहती थी, तो काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई है मुझे इस बार इनकी। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये ऑर्डर किया था और काफ़ी टाइम के बाद जाके ये मुझे, और ना इंस्टाग्राम पे जवाब दे रहे थे, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट किया तो उस पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो कुछ अजीब से ही हालात चल रहे थे। और इंस्टाग्राम पे जब कमेंट करो तो तब जवाब मिल जाता था, वो भी सिर्फ कमेंट पे, ये कि आप इनबॉक्स में बात करें, तो इनबॉक्स में कोई आ ही नहीं रहा था बात करने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ना मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा इस बार। पहले ये लोग हमेशा कन्फर्मेशन का मैसेज करते थे और ऑर्डर वगैरह का, इस बार ये भी नहीं हुआ और अचानक से जो है ना वो तकरीबन दो हफ्ते के बाद ये मुझे ऑर्डर अचानक से रिसीव हो गया। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अगर मैं घर पे होती ना, उस वक्त मैं घर में मौजूद नहीं थी जब पार्सल आया, तो मैं इसको बिल्कुल भी ना लेती। ये मैंने पक्का सोचा हुआ था कि अगर गलती से आ गया ना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं रिसीव करना। अच्छा, पार्सल मैंने अनबॉक्स कर लिया है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैं तो जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मैं साफ बताऊँगी कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। किसी ब्रांड ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हुए कि मैं उनकी तारीफ फजूल में करूँगी। तो खैर, इस बार जो है ना मेरा इनके साथ ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बुरा रहा है। तो खैर, अभी इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया, खोल लिया मैंने इसको, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का ये है। अच्छा, हाइलोरोनिक एसिड सीरम मैंने इनसे मंगवाया था, और क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था नूर बैजुकन काजम के मैंने हाइलोरोनिक एसिड सीरम का रिव्यू, तो वो वाला ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा इस बार मैं इनका ट्राई करूँ। खैर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल तो मेरा यही कह रहा था अभी कुछ दिन से कि मैं उन्हीं का ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन फिर इनका ये अब मुझे खैर रिसीव हो गया, तो चलो आप इसको ट्राई कर लेंगे। फिर ट्राई करने के बाद जो है ना इसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मुझे किस तरह का लगा है। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये एक छोटी सी डिटेल थी इनके ऑनलाइन सर्विस के बारे में भी बताना था, इसके अलावा मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो खैर, अब आप ये देख सकते हैं पैकेजिंग वगैरह अच्छी लगी है मुझे, काफ़ी डिसेंट सी पैकेजिंग है। हाइलोरोनिक एसिड 2% इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके अलावा विटामिन B5 स्किन सीरम, और काफ़ी यानी डिसेंट सी पैकेजिंग है। मैं आप लोगों को खोल के भी चेक करा देती हूँ कि किस तरह का ये अंदर से बॉटल इसकी दिखती है। अच्छा, 6 सीरम्स की रेंज है इनकी। अच्छा, इसमें कौन कौन से सीरम्स हैं? एक है नायासिनामाइड एंड जिंक, इसके अलावा है एंटी एजिंग सीरम है, ब्राइटनिंग सीरम है, हाइलोरोनिक एसिड है, विटामिन सी है और एंटी पिगमेंटेशन सीरम है। तो टोटल के जो है ना ये 6 सीरम्स हैं। बाकी इनका जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ यूज़ करने के बाद सारा शेयर करूँगी, और मुझे इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है, कैसा लगा है ये, क्योंकि न्यूर बाय जुगन काजम का जो इन था सीरम था हाइलोरोनिक एसिड, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था किसी भी किस्म का हाइलोरोनिक एसिड, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत इंस्टेंट उसके रिज़ल्ट मुझे मिले थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंस्टेंट रिज़ल्ट और किसी सीरम के आज तक नहीं मिले। बहुत ही सुपर सॉफ्ट हो जाती है स्किन यूज़ करने के बाद। अच्छा, अगर आप लोगों को हाइलोरोनिक एसिड की डिटेल लेनी है कि बेसिकली ये होता क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो वाली वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी नूर बाय जुगन काजम के, जिसका मैंने रिव्यू किया था। इसके अलावा मैं इसका जो एंड स्क्रीन है उसके ऊपर भी डाल दूंगी वो वाली, तो उस पर जो है ना वो मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है कि बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है, तो उसमें जो है ना वो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, बॉटल बहुत प्यारी लगी है मुझे, बहुत क्यूट सी बॉटल है, और कलर्स जो है ना वो इसके कलर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह का ग्रीन से कलर का, और काफ़ी बड़ी बॉटल है, मतलब 1000 रुपये में 1150 रुपीज़ इसकी प्राइस थी विद डिलीवरी चार्जेस। खाली जो डिलीवरी चार्जेस हैं ना इसके वो 250 रुपीज़ हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वाटरी सी जेल फॉर्म में इसकी कंसिस्टेंसी है। और इसकी जो डिटेल्स है ना वो यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी,
करूँगी, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है कि जब तक एक चीज़ मैं ख़त्म नहीं कर लेती ना पूरी की पूरी, तब तक मैं उसका रिव्यू नहीं करती। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिव्यू मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, लेकिन वैसे नॉर्मली मैं रिव्यू काफ़ी ले जब तक पूरा यूज़ नहीं कर लेती तब तक नहीं करती। लेकिन यह है कि ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, इसको मैं कुछ एक महीना यूज़ करूँगी या फिर 15 डेज, उसके बाद आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और आप मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।